हेलो एवरीवन, आप चाहे लंच करो या तो फिर डिनर, उनके बाद सबको कुछ ना कुछ स्वीट खाने का मन ज़रूर करता है। लेकिन क्या आज हम स्वीट ऐसी बनाएं कि जो कि थोड़ी सी स्वीट हो लेकिन उसके साथ हॉट भी हो, तो कैसा रहेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ चारुल, आप देख रहे हैं चारुल कॉर्नर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सिजलिंग ब्राउनी, जो कि सबने कई बार ट्राई तो की ही होगी रेस्टोरेंट में, लेकिन आज हम घर पे उसे बनाएंगे और वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बनती है। इतनी अच्छी बनती है कि आप बाहर की खाने की भूल जाएंगे और बार बार घर पर ही उसे बना के खाएंगे। तो दोस्तों, सिजलिंग ब्राउनी बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में घर पे ही बन जाती है। तो देख लेते हैं आज हम सिजलिंग ब्राउनी बनाने की रेसिपी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख के इसके अंदर मैं बटर डालूंगी, जो कि बटर मैंने एक कप लिया है वो रूम टेम्परेचर पे ही है। तो दोस्तों, आप रूम टेम्परेचर पे हो ऐसा ही बटर लीजिए ताकि बटर को मेल्ट होने में ज़्यादा देर ना लगे और वो फटाफट से बटर मेल्ट हो जाए, ताकि हम इसमें चॉकलेट भी डालेंगे और वो भी मेल्ट करनी है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप भी बड़े टुकड़े बिल्कुल ना रखें क्योंकि उसे मेल्ट होने में बहुत ही वक्त लग जाएगा। तो डार्क चॉकलेट डालते ही हमें ज़्यादा टाइम के लिए उसे गैस पे नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे हार्डली 30 सेकेंड के लिए ही उसे गैस पे छोड़ा। बाद में उसे नीचे उतार के मैंने चॉकलेट और बटर के मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम ये मिश्रण में हम डाल देंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लेना है। एक बेकिंग पाउडर है जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। एक बेकिंग सोडा है जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये है पाउडर शुगर जो मैंने 1/2 कप ली है। इसे भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना कोकोआ पाउडर लिया है उसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी छान लेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अभी हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जो कि हमारा जो चॉकलेट का बैटर था, चॉकलेट और बटर का जो मेल्ट किया हुआ बैटर था, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक बैटर रेडी करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध लिया है। दोस्तों, ये दूध जो लिया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और बैटर को मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 या 3 बार मैंने दूध ऐड किया, 2 और 3 टेबलस्पून जितना दूध ऐड किया है, और इतना करते करते मैं बैटर को मिक्स करती जा रही हूँ। हमें दोस्तों ब्राउनी का बैटर जो है वो थिक फॉर्म में नहीं चाहिए, या तो फिर ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए, वो मीडियम साइज़ का चाहिए। मीन्स कि उसकी जो पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने 1 कप दूध में से शायद 3/4 कप जितना ही दूध यूज़ किया और 1/4 कप जितना दूध मेरा बच गया था। तो अभी लास्ट में आप देखिए जो हमारी जो ब्राउनी का बैटर है वो इस तरह से बनता है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसे मैंने केक का एक टीन ले लिया है और टीन के ऊपर बटर पेपर डाल दिया। दोस्तों, मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो बटर का लोफ आता है 500 ग्राम्स का, उसके ऊपर जो पेपर रैप किया हुआ होता है वो बटर पेपर ही होता है, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। तो केक टीन को अच्छी तरह से टैप कर लीजिए ताकि कोई उसके एयर हो तो वो बाहर निकल जाए। माइक्रोवेव को मैंने कन्वेक्शन मोड पे 4 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। अभी मैं 20 मिनट के लिए उसे 180 डिग्री टेम्परेचर पर बैक कर लेंगे। ब्राउनी बेक होके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुकी है।
अभी मैंने एक गैस पे सिजलिंग ट्रे है उसे गरम करने के लिए रख दिया है, और दूसरे एक गैस पे एक सॉस पैन ले लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना बटर डाल दिया और 1/2 कप जितनी डार्क चॉकलेट डाल दी है। हमें चॉकलेट सॉस बनाना है इसीलिए चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा देर तक चॉकलेट को नहीं गर्म करना है वरना उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिलती है वो डाल रही हूँ। दोस्तों अगर आपको चॉकलेट सॉस ज़्यादा चाहिए तो आप पूरा पैकेट डाल दीजिए, लेकिन अगर आप चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा ही यूज़ करने वाले हैं तो आप हाफ पैकेट ही यूज़ कर सकते हैं। हमें चॉकलेट और ये क्रीम के मिश्रण को बहुत ही धीरे से और स्लो फ्लेम पे पकाना है, लेकिन याद रखिए हमें उसे ज़्यादा देर तक उसे गैस पे नहीं रखना है। हार्डली हम 1 और 1.5 मिनट के लिए ही उसे गर्म करेंगे। तो ये देखिए ब्राउनी बिल्कुल तैयार है, उसमें हम कट्स लगा लेंगे। दोस्तों मैंने ब्राउनी बनने के बाद 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, और इसमें शुगर सिरप वगैरह भी नहीं डाला था इसीलिए थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। आप चाहे तो आपकी ब्राउनी बनते ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं 1/2 आवर में। ये देखिए ये मेरी ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन के रेडी हुई है। अभी हम गार्निश कर लेंगे। तो गार्निश करने के लिए जो हमारी सीजलिंग ट्रे है वो बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, उसे उसके बेस जो वुडन का होता है उसके ऊपर रख देंगे, और उसके ऊपर ब्राउनी के पीस बनाए हैं वो रखूँगी। और ये है वनीला आइसक्रीम, तो वनीला आइसक्रीम का स्कूप इसके ऊपर रख दीजिए। वनीला आइसक्रीम और ब्राउनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है इसलिए मैं आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर हम डालेंगे हमने जो हमने लास्ट में अभी जो चॉकलेट सॉस बनाया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए हमारी सिजलिंग ब्राउनी बनके बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।